हेलो दोस्तों, ये है बजाज पल्सर 125 नियॉन स्प्लिट सीट और ये है TVS Apache RTR 160। आज हम आपको दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करके दिखाएंगे। अगर आप दोनों गाड़ी लेने में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यहाँ पर देखिए बजाज पल्सर 125 नियॉन वर्सेस TVS Apache RTR 160। सबसे पहले इसका ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बजाज जो पल्सर होते हैं, पल्सर 125 नियॉन का यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है 82,207 रुपया और Apache RTR 160 का कीमत है 94,426 रुपया। ठीक है दोस्तों, इधर वाला प्लॉट आप देख रहे हो, ये Apache RTR का, इधर वाला प्लॉट बजाज पल्सर का। तो यहाँ पे देखिए इसका माइलेज के बारे में अभी तक बताया नहीं गया, क्योंकि गाड़ी नया नया आया है, तो बाद में ये जब आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे जो माइलेज देगा Apache RTR वो 60 किलोमीटर आपको प्रति लीटर माइलेज दे देगा। दोस्तों, स्प्लिट सीट बजाज पल्सर 125 नियॉन में जो इंजन लगा हुआ है वो है ट्विन स्पार्क BS6 कंप्लेंट DTSI इंजन और Apache RTR में लगा हुआ है सिंगल सिलेंडर 4-stroke SI इंजन। दोनों गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब CC 124 CC बजाज पल्सर है और Apache RTR 159.7 CC। ये तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये 160 है, ये 124 है। तो इसमें तो जो सिलेंडर लगा हुआ है दोनों गाड़ियों में, देखिए यहाँ पे इसमें भी सिंगल सिलेंडर और इसमें भी सिंगल सिलेंडर। और जो मैक्स पावर की अगर बात करें तो मैक्स पावर यहाँ पे देखिए पल्सर में लगा हुआ है 12 PS और 8,500 RPM और Apache में लगा हुआ है 15.11 PS और 8,000 RPM। और मैक्स टॉर्क की बात करें, जिसे हम NM टॉर्क कहा जाता है, यहाँ पे देखिए बजाज पल्सर में 11 NM टॉर्क और 6,500 RPM और Apache में देखिए 13.3 NM टॉर्क और यहाँ पे देखिए 6,500 RPM। मतलब इसका RPM और इसका RPM दोनों का RPM सेम है, मतलब NM टॉर्क का RPM सेम है। मैक्स पावर का जो RPM होता है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा है, बजाज में ज़्यादा है। यूज़र रेटिंग की अगर बात करें, यूज़र रेटिंग का मतलब होता है कि पब्लिक को सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़, कौन सा गाड़ी पसंद है। दोस्तों, ये जो बजाज पल्सर 125 नियॉन है, ये पब्लिक को, जो पब्लिक का यूज़र रेटिंग है वो 4.3 यूज़र रेटिंग और Apache RTR का है 4.7। दोस्तों, ये गाड़ी पहले आ चुका है इसलिए इसका रेटिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसका कम है। आप इस रेटिंग में मत देखिए कि बात ज़्यादा दिन हो जाएगा तो इसका भी रेटिंग शायद बढ़ जाए और ना भी बढ़े। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेक की बात करें तो देखिए यहाँ पे फ्रंट ब्रेक डिस्क, इसका भी फ्रंट ब्रेक डिस्क, रियर ब्रेक जो है वो ड्रम ब्रेक है और इसमें भी ड्रम ब्रेक, दोनों में मतलब ड्रम ब्रेक पीछे का दिया गया। आप चाहो तो दोनों का ही पीछे वाला भी डुअल डिस्क ले सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो कलर दिया गया है, कलर इसमें अभी नहीं आया क्योंकि ये नया आया है, आप तो जानती हो, इसमें कलर नहीं दिया गया। इसमें भी कलर बहुत सारा दिया गया, लेकिन कलर पे आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि कलर गाड़ी जितना मार्केट में चलता है उतना कलर बढ़ा देता है कंपनी। यहाँ फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्यूल टैंक 11.5 लीटर नियॉन बजाज का है और यहाँ पे 12.5 लीटर TVS का है, मतलब यहाँ पे TVS का टैंकी थोड़ा बड़ा है, जो फ्यूल टैंक होता है थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे देखिए जो बॉडी टाइप होता है कम्यूटर बाइक्स, ये वाला स्पोर्ट नेकेड बाइक कम्यूटर बाइक्स, मतलब ये गाड़ी, इस गाड़ी को ज़्यादा पावरदार दिखाया जा रहा है, इसका कीमत भी ज़्यादा है, CC भी ज़्यादा है। और तो कुछ कुछ बात जो वहाँ पे छूट गए, यहाँ पे देखिए इसका जो बजाज पल्सर 125 नियॉन का जो कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है वो भी एयर कूल्ड और Apache RTR का भी एयर कूल्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिलेंडर वाल्व जो लगा होता है, यहाँ पे देखिए दोनों गाड़ियों में डुअल वाल्व लगा हुआ है, मतलब दो दो वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों में आपको चेन ड्राइव मिलेगी, इसमें देखिए इसमें भी चेन ड्राइव, इसमें भी चेन ड्राइव, दोनों गाड़ी में आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए किक एंड सेल्फ स्टार्ट और यहाँ पे भी किक एंड सेल्फ स्टार्ट। और फ्यूल जो सप्लाई जो होगा वो इसमें भी कार्बोरेटर और इसमें भी कार्बोरेटर। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, आप नीचे बता सकते हो, पूछ भी सकते हो, मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे चैनल में ऐसे ही वीडियो अपलोड होता रहता है रोजाना, तो अगर ऐसे वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।